हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है देव लहरी और आज हम लोग बात करेंगे एयरटेल के नए राउटर के बारे में। ये जो नया राउटर मिलता है, ये एयरटेल के 1 GBPS वाले प्लान में मिलता है, जो कि 4,000 पर महीने का है। उसमें ये नया राउटर देखने को मिलता है। अब ये नया राउटर 1 GBPS को पूरा वही हालांकि वही ये सपोर्ट करता है। हालांकि ये Wi-Fi 5 का राउटर है, Wi-Fi 6 का राउटर नहीं है, तो इसका स्पीड मुश्किल से 500 MBPS में जाएगी वाईफाई में, और लैन पे वही 800-900 MBPS तक की जाएगी मैक्सिमम। तो आप इसमें आप कुछ आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं, जो कि है पावर, बूट, PON, ALM, इंटरनेट का, और ये टेलीफोन, इसमें टेलीफोन 1, टेलीफोन 2, और ये वाईफाई का है 2.5G या फिर 5G का, 5 GHz का ये उसका वाईफाई इंडिकेटर है। बगल में उसके फिर राइट में है WPS का इंडिकेटर, फिर जाके है LAN 1 से लेकर LAN 4 तक का इंडिकेटर है। अब ये इसके पीछे देखेंगे तो ये है पावर ऑन ऑफ का बटन, हाँ ये पावर इनपुट का, ये USB 3.0 का ये इनपुट है, और ये 4 LAN, और इसमें 2 टेलीफोन के वो दिए हुए हैं पोर्ट। और इसका अगर नीचे देखेंगे तो ये इसके नीचे का ये है, ये अब जो यहाँ पे जो आपकी ये दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर इनपुट होती है, ये इसका पूरी तार का पूरा हुआ है, और ये आपकी पूरी डिटेल्स है। अगर आप इसके एंटीना देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे है, अगर मैं दिखाऊँ तो। अब इसके अगर एंटीना देख सकते हैं तो कम से कम 6 एंटीना है टोटल, और ये हर एक एंटीना कम से कम 8.5 इंच तक, लगभग का 8.5 इंच तक का लंबाई होगी इसकी। काफ़ी लंबा एंटीना है, लगता है पूरे मोहल्ले को भी रेंज दे सकती है इतना लंबा एंटीना है। तो अभी इस राउटर का स्पीड देख लेते हैं, क्या स्पीड आ रही है नए वाले राउटर का। गो ओके। तो ये 18 पिंग दे रही है, स्पीड डाउन स्पीड तो अच्छी आ रही है, मतलब 1100 800 तक की तो आ रही है स्पीड। अप स्पीड 200-250 की स्पीड में है, फिर से कर लेते हैं। मेरे पास जो है ये स्टैटिक आईपी लगी हुई है, तो लगता है उसी वजह से कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा। 400-500 की स्पीड अप जा रही है मैक्सिमम, 600 बस, 650 700 गई, 700 गई है, और ये वही 250-300 तक की जाएगी। स्पीड का ऊंच नीच तो हो रहा है, लगता है स्टैटिक आईपी के थ्रू वजह से हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। चार सौ 390 तो fast.com में डाउन स्पीड 260 और अप स्पीड 580। अरे भाई साहब, यूट्यूब मारो सीधे, आप देखते हैं कितना जाता है यूट्यूब। हाँ यूट्यूब मारो,
4K 60 FPS कौन सा देखे, कैप्टन अमेरिका देख लेते हैं, इमरजेंसी उनके उनके 4K 60 1 GB की, देखते हैं क्या स्पीड आती है। अरे भाई साहब ये तो हो गया, स्पीड अभी उतनी आ रही है, देखना पड़ेगा इसका। तो ये राउटर का ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देते हैं क्या होता है, क्या क्या है ये देख सकते हैं। DEZ कंपनी की है, एवरी कनेक्शन मेथड। हाँ तो ये रहा, ये डासान मैन्युफैक्चर, इसका डासान नेटवर्क्स, अगर इसको सर्च करेंगे तो ये आपकी होगी साउथ कोरिया की कंपनी है, हेडक्वार्टर। मैन्युफैक्चर जो होता है इसका ये वही चाइना में ही होता है, लेकिन कंपनी साउथ कोरिया की है। तो ये है, इसके नेटवर्क पे जाएंगे तो वही इंटरनेट वगैरह का सब सेटअप दिखाएगा। वायरलेस पे जाएंगे वही 2.4, और एडवांस पे जो भी आपको सेटअप करवाना है कर बताएगा। 2.4 का है, 5 GHz यहाँ से होगा, ये पूरे 5 GHz का है। मोड यही पूरा वाईफाई 5 का है, तो इसमें मैक फिल्टर, वाईफाई स्कैन, वाईफाई ऑटो रिफ्रेश, इंटरनेट वगैरह, LSD, DynamX, Static, ARP वगैरह सब है। TR069 वगैरह भी है, नेट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह भी है, फिल्टर भी है, ये सब के। सिक्योरिटी में देखेंगे तो फायरवॉल डॉस का भी है, एक्सेस कंट्रोल, बैंडविड्थ मैनेजमेंट का भी है। इसमें क्या करेंगे कि सेट हो गया ये, मतलब कि हर एक IP के रेंज में जितना जो बैंडविड्थ है उसको मैनेज करता है क्या, देखना पड़ेगा। तो ये पूरा इसका पूरा मैनेजर, पेरेंटल कंट्रोल रखना तो वो भी रख सकते हैं, ये जो कि इस तरह से दिखता है, कब क्या, कब कौन सा है, कौन से ID को ब्लॉक करना है वगैरह वगैरह, टाइम सेटिंग, बैकअप, रिस्टोर, सिस्टम लॉक और ये सब है। तो ये राउटर जो है ये चाइना का नहीं है, पहली बार तो ये साउथ कोरिया का राउटर है, और दूसरी बात ये है कि एयरटेल एक्सट्रीम का ही राउटर है, और ये अच्छा ही राउटर है, काफ़ी बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जवाब दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।